तो छात्र आंदोलन अब तेज हो गया है और कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया। वहीं रुड़की पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ननहेड़ा से इकबालपुर शुगर मिल तक गन्ना मार्च पद यात्रा निकाली। वहीं पद यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम भी हरीश रावत के साथ शामिल रहा। हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की लगातार उपेक्षा कर रही है और राज्य सरकार गन्ना मूल्य खरीद घोषित करने में देरी कर रही है। गन्ने के विषय में और गन्ना किसानों की जो उपेक्षा की जा रही है, लगातार उपेक्षा की जा रही है और जिस तरीके से गन्ना खरीद मूल्य घोषित करने में विलंब किया जा रहा है, ये सब चीजें चीख चीख करके कह रही हैं कि ये सरकार का कोई ध्यान किसानों की तरफ और गन्ना किसानों की तरफ नहीं है, इसलिए हमने आज गन्ना मार्च निकाला है। तो पदयात्रा के दौरान प्रदेश सरकार को गन्ना मूल्यों को लेकर घेर रहे पूर्व सीएम हरीश रावत पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पलटवार किया है। हरीश रावत के फेंकू वाले बयान पर उन्होंने कहा कि हरीश रावत को जनता पहले ही दो जगह से फेंक चुकी है, वो मुख्यमंत्री रहते हुए दो जगह से फेंक चुके हैं, उनको भाषा का ध्यान रखना चाहिए। देखिए हरीश रावत जी अगर मुझे फेंकू कह रहे हैं तो हरीश रावत जी को तो जनता ने फेंक दिया है और एक मुख्यमंत्री को दो दो जगहों से हरा के, दो दो विधानसभाओं से हरा के जिस तरह फेंका है उसको तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वयावादी पार्टी ने गंगोत्री विधानसभा सीट से कर्नल अजय कोठियाल को प्रत्याशी बनाए जाने की विधिवत घोषणा कर दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि गंगोत्री के मतदाताओं को एक अच्छा विकल्प मिल रहा है। कोठियाल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक मानक स्थापित करेंगे। उसके बाद सिसोदिया ने उत्तरकाशी में रोड शो भी निकाला। इस दौरान लोगों ने उनका अभिवादन किया। इसके साथ ही जनसभा के दौरान कई लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ली। कर्नल कोठियाल आपको बताते चले, आपने कर्नल अजय कोठियाल को गंगोत्री सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने कोठियाल को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि गंगोत्री विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के नेता और उत्तराखंड के जन जन के दिल में बसे, उत्तराखंड का हर व्यक्ति जिन पर गर्व करता है, कर्नल अजय कोठियाल जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से वो विधानसभा की उम्मीदवार होंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से।